अस्सलाम वालेकुम. वेलकम बैक टू द ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ऑफ ओरिएंटल पब्लिक स्कूल मर्दान क्लास सिक्स बायोलॉजी की क्लास में आप सबको वेलकम करते हैं क्लास सिक्स आपके बायोलॉजी का चैप्टर वन हम ख़त्म कर चुके हैं आज का लेक्चर हम रिटर्न वर्क के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं आज के लेक्चर में हम आपके नीट नोटबुक में रिटर्न काम करेंगे आप अपने नीट नोटबुक निकाल लें मैं तरीका समझाता हूं कि आपने किस तरह से रिटर्न वर्क करना है चैप्टर के रिटर्न वर्क को हमने दो स्टेज में या दो फेज में डिवाइड किया हुआ है पहला आपका फेज है उसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर लिखते हैं और सेकेंड फेज में हमने एक्सरसाइज के आंसर लिखने हैं ठीक है जी फर्स्ट फेज में हमने क्या करना है आपके बुक में जो टॉपिक्स मौजूद हैं सारे यहाँ फर्स्ट चैप फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक जितनी भी टॉपिक मौजूद हैं या बेसिक फैक्ट्स मौजूद हैं उन्हीं बेसिक फैक्ट्स को हमने क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में लिखना है और लास्ट में हमने एक्सरसाइज में जो आपके क्वेश्चन मौजूद हैं उसके आंसर हमने लिखने हैं ठीक है आप अपने नीट नोटबुक रेडी कर लें मैंने आपके लिए ऑलरेडी टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं अब मैं इसको आपको समझा रहा हूं आप सुनते भी जाए याद करते भी जाएं और साथ साथ में लिखते भी जाएं, ठीक है Summary of chapter one, written work, neat notebook के लिए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल क्या है इसका जवाब है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने हुए हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो सारे फंक्शंस सेल करते हैं ठीक है जी सेल क्या है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम सेल के बने हुए हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडीज के अंदर जो फंक्शंस होते हैं तमाम फंक्शन सेल्स परफॉर्म करते हैं ठीक है जी तमाम फंक्शंस सेल्स परफॉर्म करते हैं ये इसका जवाब है क्वेश्चन नंबर टू है व्हाट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ सेल्स व्हाट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ सेल का मतलब है सेल्स के अंदर कौन सी चीजें कॉमन होती है तो इसका जवाब है देर आर फोर कॉमन फीचर्स ऑफ सेल्स सेल्स के अंदर चार चीजें कॉमन होती हैं नंबर वन सेल मेम्ब्रेन हर एक सेल के अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियस ये चार चीजें ऑलमोस्ट हर एक सेल के अंदर पाई जाती है ठीक है इसको कहा जाता है कॉमन फीचर्स ऑफ सेल क्वेश्चन नंबर थ्री है आपका वट आर द डिफरेंसिज बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर क्या डिफरेंसिस पाई जाती है या प्लांट और एनिमल सेल के अंदर क्या डिफरेंस मौजूद है तो यहाँ मैंने हेडिंग में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है आंसर इसका पहली हेडिंग मैंने दी है प्लांट सेल दूसरी हेडिंग है एनिमल सेल प्लान सेल प्लांट सेल हैट सेल हैज सेलव वॉल प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होता है लार्ज सिंगल वैक्यूल पाया जाता है एंड क्लोरोप्लास्ट ये तीन चीजें प्लांट सेल के अंदर मौजूद होती हैं राइट right? इसके मुकाबले में अगर आप एनिमल सेल को देख लें नो सेल वॉल नो क्लोरोप्लास्ट वैक्यूल्स आर स्मॉल एंड यूजुअली मोर देन वन ठीक है ना डिफरेंस का पता चल गया है प्लांट के अंदर सेल वॉल होते हैं सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं जिसके थ्रू ये फोटोसेंथिसिस करते हैं इसके मुकाबले में एनिमल सेल्स हैव नो सेल वॉल, नो क्लोरोप्लास्ट वैक्यूल्स आर स्मॉल एंड यूजुअली मोर देन वन एक से ज्यादा वेक्यूल होते हैं और साइज में छोटे होते हैं राइट नेक्स्ट क्वेश्चन वट आर स्पेशलिस्ट सेल्स स्पेशलिस्ट सेल्स क्या होते हैं या किसे कहते हैं तो आप ऑलरेडी जानते हैं तमाम ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर कुछ सेल्स स्ट्रक्चरली मोडिफाई हो जाते हैं जो बॉडी के अंदर स्पेशल जॉब करते हैं स्पेशल काम करते हैं ऐसे सेल्स को कहा जाता है स्पेशलिस्ट सेल्स ठीक है वट आर स्पेशलिस्ट सेल्स तो इसका आंसर है सम सेल्स आर एडाप्टेड टू कैरी आउट स्पेशल जॉब इन प्लांट्स एंड एनिमल्स सच सेल्स आर कार्ड स्पेशलिस्ट सेल्स प्लांट्स और एनिमल के बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ स्पेशलाइज फंक्शन होते हैं इन्हीं स्पेशलाइज फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बॉडी में मौजूद कुछ सेल्स स्ट्रक्चरली मॉडिफाइड हो जाते हैं उन सेल्स को कहा जाता है स्पेशलाइज सेल्स राइट नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वट डू नो अबाउट यूनिसेलर एंड मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलर और मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं तो इसका आंसर है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल इज कॉल्ड यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जाम्पल अमीबा वो ऑर्गेनिज्म जिसकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल की बनी होगी वो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म कहलाएगा एग्जाम्पल है अमीबा पैरामीशियम एक्सेट्रा मल्टी सेलर मल्टी सेलर इसका आंसर है कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन मोर देन वन सेल या बहुत सारे सेल पर मुश्तमिल होती है ऑर्गेनिजम कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जाम्पल मैन वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक से ज्यादा सेल की बनी होती है उसको कहा जाता है मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जाम्पल मैन यानी हमारी बॉडी हमारी बॉडी बहुत सारे सेल की बनी हुई है तो हम हैं मल्टी सेलर ऑर्गेनिज़म ठीक है जी आप इसको लिख लें ठीक है अब मैं इसको मिठा रहा हूँ और फर्दर जो टॉपिक है उसके आंसर आपको बताऊँगा ठीक है इसको आप लिख इन शाबाश ओके okay, बेटा आप क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ आते हैं क्वेश्चन फाइव तक आप आंसर लिख चुके हैं अब क्वेश्चन नंबर सिक्स है डिफाइन टिश्यू डिफाइन टिश्यू ये आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स है टिश्यू क्या है डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है द ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यूज टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल को कहा जाता है एक ऐसे सेल का ग्रुप जो स्ट्रक्चर में भी सेम होते हैं शेप में भी सेम होते हैं और सेम काम भी करते हैं ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा जाता है टिश्यू आपके बॉडी के अंदर मस्कुलर टिशूज़ कनेक्टिव टिशूज़ नर्वस टिश्यूज़ इसी तरह प्लांट बॉडी के अंदर एपिडर्मल टिशू फोटोसेंथेटिक टिशू एट्सेट्रा दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज ऑर्गन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज ऑर्गन ऑर्गन किसे कहते हैं आंसर है ऑर्गन डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म अलार्ज बॉडी पार्ट इज कॉल्ड ऑर्गन मुख्तलिफ टिश्यूज कंबाइन होंगे यहां पर टिश्यूज के अंदर सेल्स कंबाइन होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स यहाँ पे सेल्स कंबाइन होते हैं यहां पर टिश्यूज कंबाइन हो जाते हैं ऑर्गन क्या है डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म अलार्ज बॉडी पार्ट इज कॉल्ड ऑर्गन जब मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज़ कंबाइन हो जाते हैं और वो बॉडी का एक बड़ा ऑर्गन बना लेती है एक बड़ा स्ट्रक्चर बना लेती है और वो स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन करती है तो ऐसे बॉडी पार्ट को कहा जाता है ऑर्गन वट इज़ ऑर्गन ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ इज कॉल्ड ऑर्गन ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ इज कॉल्ड ऑर्गन राइट क्वेश्चन नंबर एट वट इज़ ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन सिस्टम किसे कहते हैं वट इज ऑर्गन सिस्टम इसका आंसर है ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन इसका आंसर यहां पे है ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क्स टुगेदर टू कैरी आउट अ सर्टेन जॉब इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन सिस्टम किसे कहते हैं बॉडी के अंदर ऑर्गन के एक ग्रुप को कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम जो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्गन सिस्टम का एग्ज़ाम्पल आप डाइजेस्टिव सिस्टम ले सकते हैं नर्वस सिस्टम ले सकते हैं स्केलेटल सिस्टम ले सकते हैं मस्कुलर सिस्टम्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स बॉडी के अंदर ये तमाम सिस्टम क्या है दीज आर दम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन इसमें मुख्तलिफ़ ऑर्गन कम्बाइन हुए हैं और ये सिस्टम बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है तो ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गन कम्बाइन हो जाते हैं ठीक है देख लें टिश्यूज में सेल कंबाइन होते हैं ऑर्गन में टिश्यूज कंबाइन होते हैं ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गन कंबाइन हो जाते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन नेम डिफरेंट ऑर्गन ऑफ प्लांट्स प्लांट्स के बॉडी में ऑर्गन्स के नाम बताएं तो बहुत आसान है ऑर्गन ऑफ प्लांट्स आर स्टेम लीव्स एंड रूट्स आर ऑर्गन ऑफ प्लांट्स फ्लावर स्टेम लीव्स एंड रूट्स आर ऑर्गन ऑफ प्लांट्स ये दो सिस्टम बनाते हैं एक को कहा जाता है रूट सिस्टम और दूसरे को कहा जाता है शूट सिस्टम रूट सिस्टम जो जमीन से बिलो पार्ट है प्लांट का उसको रूट सिस्टम कहा जाता है जो हिस्सा जमीन के ऊपर है उसको शूट सिस्टम कहा जाता है ठीक है नेम डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ प्लांट फ्लावर स्टेम लीव्स एंड रूट्स आर ऑर्गन्स ऑफ प्लांट क्वेश्चन नंबर टेन है हाउ वी नो अबाउट सेल्स एंड टिश्यूज हमने इस चैप्टर में सेल्स और टिश्यूज के बारे में पढ़ा तो क्वेश्चन ये है हमें सेल्स और टिश्यूज के बारे में कैसे पता चलता है हम इनको कैसे स्टडी करते हैं तो इसका जवाब है वी कट अ वेरी थिन स्लाइस फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल बॉडी एंड एग्जामिन इट टू नो अबाउट सेल्स एंड टिश्यूज एग्जामिन इट विद माइक्रोस्कोप यह हमें विद विद माइक्रोस्कोप ये यहां पे आ जाएगा हाउ वी नो अबाउट सेल्स एंड टिश्यूज वी कट अ वेरी थिन स्लाइस फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल बॉडी एंड एग्जामिन इट विद माइक्रोस्कोप टू नो अबाउट सेल्स एंड टिश्यूज कैसे हमें सेल्स और टिश्यू के बारे में पता चलता है तो इसका जवाब है हम दो तरीक़ों से पता चलता है एक तो हम एनिमल बॉडी से कुछ फ्लूड ले लेते हैं उस फ्लूड को हम अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन करते हैं और हमें सेल्स के बारे में पता चलता है दूसरा तरीका है कि हम एनिमल टिश्यूज से और प्लांट टिश्यूज़ से एक तीन स्लाइस ले लेते हैं या उनके बॉडी का एक तीन स्लाइस हम ले लेते हैं एक छोटा सा टुकड़ा ले, ले लेते हैं बिल्कुल बारीक काट देते हैं उसको स्लाइड के ऊपर रखते हैं और स्लाइड को अंडर माइक्रोस्कोप रखते हैं ताकि सेल्स और टिश्यूज़ को पढ़ सके ठीक है हाउ वी नो अबाउट सेल्स एंड टिश्यूज द आंसर इज वी कट अ वेरी थिन स्लाइस फ्रॉम प्लांट बॉडीज एंड एनिमल बॉडीज एंड देन एग्जामिन दैट स्लाइस विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप टू नो अबाउट सेल्स एंड टिश्यूज राइट क्वेश्चन नंबर इलेवन वट इज लाइट माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं वट इज लाइट माइक्रोस्कोप और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप द आंसर इज अ माइक्रोस्कोप विच यूज इज लाइट टू मेक इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच यूज इज लाइट टू मेक इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अ माइक्रोस्कोप विच यूज इज लाइट टू मेक इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कोल्ड लाइट माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप जो किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए या इमेज दिखाने के लिए लाइट का इस्तेमाल करता है लाइट में भी आर्टिफिशियल लाइट और नेचुरल लाइट नेचुरल लाइट या आर्टिफिशियल लाइट दोनों को यूज किया जा सकता है तो जो माइक्रोस्कोप चीजें दिखाने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए लाइट का इस्तेमाल करता है उसको कहा जाता है लाइट माइक्रोस्कोप ठीक है जी वट इज लाइट माइक्रोस्कोप अ माइक्रोस्कोप विच यूज इज लाइट टू मेक इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लाइट माइक्रोस्कोप द क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व और लास्ट क्वेश्चन इज वट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्ट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं तो इसका आंसर है अ माइक्रोस्कोप विच यूज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे सिर्फ डिफरेंस है वो लाइट को यूज करता है ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करता है माइक्रोस्कोप विच यूज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू मेक इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसमें किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट की का इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल किया जाता है मतलब इलेक्ट्रॉन की मदद से एक चीज को हम देख सकते हैं तो ऐसे माइक्रोस्कोप को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ठीक है बेटा इसके साथ आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ तक आपने अपने नीट नोटबुक में लिखना है इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे ठीक है अपने नीट नोटबुक में लिख लें तस्वीरें ले लें ले, और व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे साथ शेयर कर लें राइट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इनशाला आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे वो आप नीट नोटबुक में लिखेंगे तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं अल्लाह हाफि اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما